अनजान था मैं नादान था मैं तेरे प्यार को जो न समझ पाया। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और नया टिकटॉक का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो लेके आ चुका हूँ जो कि आप सिंपल स्क्रीन में देख चुके हैं। तो अगर आप इस तरह का ट्रेंडिंग और ऑसम स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में इसका मुकम्मल ट्यूटोरियल दूंगा। तो वक्त गाय के बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड, ये टिकटॉक की गाड़ी है फ्रान राइस 27। तो इस तरह का स्टेटस बना रहा है एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था। उन्हें बहुत सारे इस तरह का स्टेटस कैसे बनाते हैं आप खाने इस पर ट्यूटोरियल दें। तो अगर आपके स्टेटस का ट्यूटोरियल चाहते हैं या कोई से मटीरियल चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज बता सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर दफाएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड, स्टेटस बनाने के लिए हम लाइट मशीन ऐप का यूज़ करेंगे। तो आपने लाइट मशीन ऐप को ओपन कर लेना है। तो अगर आपके पास लाइट मशीन है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से जाकर आपने डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपने प्लस पे टैप करके और 9.60 वर्ष सेट करके आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस पे टैप करके और अपना कोई सी भी वीडियो आपने ऐड कर लेनी है जिस पर आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मीडिया पर टैप करके, तो फ्रेंड मेरे पास ये वीडियो है, मैं इस वीडियो पर जो है वो अपना स्टेटस बनाऊँगा। तो आपने क्या करना है, अगर आप सेम उस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसमें पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपकी वीडियो की पूरा रिकॉर्ड दे दूंगा। आपने वो वीडियो देखे तो ये बैकग्राउंड पे वीडियो है, आपने वो बना लेनी है। तो उसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है कि इस स्टेटस का मैंने XML बनाया हुआ, मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो फ्रेंड ये स्टेटस का XML है। आपने क्या करना है कि आपने प्लस डबल आइकन पर टैप करके और सेलेक्ट ऑल लेयर कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना, प्लस डबल आइकन पर टैप करके और कॉपी टू लेयर कर लेना है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में वापस आ जाना है। उसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है कि आपने अपने म्यूज़िक के साथ चेक कर लेना है। अगर आपके म्यूज़िक साथ ही है, वीडियो के साथ है, तो आपने जो है क्या करना है कि वो तो ठीक होगा। अगर आपके पास जो है वो वीडियो अलग है, म्यूज़िक अलग है, तो आपने अपना जो है वो म्यूज़िक ऐड कर लेना। उसके लिए प्लस पर टैप करके, आपके पास वीडियो की सूरत में है तो आपने वीडियो से स्टार्ट कर लेना। मेरे पास वीडियो की सूरत में है, मैं वीडियो से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे कि अपना ये देख सकते हैं आप, मैंने अपना सॉन्ग स्टार्ट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है, आपने इसके लिरिक्स चेक कर लेने हैं और जहाँ जहाँ पे आपके लिरिक्स खत्म हो रहे हैं वहाँ वहाँ पे आपने बीट मार्क लगा लेना है। फ्रेंड आपने इस तरह से अपने बीट मार्क लगा लेने हैं, जहाँ पे आपके लिरिक्स खत्म हो रहा है वहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपके पास कर्सर बना हुआ है ये आपने इस पर टैप करना है, जो आपका बीट मार्क लगा जाएगा। अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं तो आपने दोबारा प्रेस पे टैप करना है और आपका बीट मार्क जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है कि आपने प्लस डबल आइकन पर टैप करके पेस्ट टू लेयर कर देना है। जैसे कि ये मेरे पेस्ट हो चुकी हैं दो लेयर। उसके बाद आपने बीट मार्क पर आके और इस तरह से क्लाइक आपने टैप कर लेना और आगे से इसको ट्रिम कर लेना है। उसके बाद आपने जो इसकी दूसरी लिरिक्स है आपने करना है सेम वही करना है, प्लस सॉरी क्लॉक आइकन पे टैप करके आपने इसको इधर से ऐसे ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद डबल ए पे टैप करके आपने इसको रिमूव कर लेना है और आपका जो लिरिक्स है आपने वो लिख लेना है। जैसे कि मैंने कॉपी की हुआ, मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। तो उसके बाद अगर आप साथ ऊपर इमोजी चेंज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इस पर टैप करके और डबल ए पे आके और यहाँ पे आपने कोई सी भी इमोजी जो आप लगाना चाहते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आपने वो इमोजी लगा लेनी है। तो जैसे कि मैं जो है वो यहाँ पे ये और एक जो है वो ये लगा लेता हूँ कुछ। फ्रेंड इस तरह से आपने अपना लिरिक्स लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो इसको सॉरी इसको ऊपर कर लेते हैं इसको और इसको सेलेक्ट कर लेना है, प्लस डबल आइकन पे टैप करके और कॉपी टू लेयर कर लेना है। उसके बाद आपने फ्रेंड क्या करना है कि इधर आ जाना है और इस बीट मार्क पे आपने आके सॉरी इस बीट मार्क पे आपने आके थोड़ा सा इसको से आगे रख के और प्लस डबल आइकन पे टैप करके पेस्ट टू लेयर कर देना है। पेस्ट टू लेयर करने के बाद आपने आगे इधर आ जाना है और इसको सेम वही तरीका करना है। आपने जो है वो इस तरह से इसको ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद आपने इसको जो है वो ट्रिम कर लेना है कुछ इस तरह से। यानी कि आपने क्या करना है, इस XML का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वो ऐड कर लेना है अपने लाइट मोशन में। उसको जस्ट आपने ये लेयर दोनों को कॉपी करके और पेस्ट करके और अपने लिरिक्स एडिट करते जाना है और आपका स्टेटस समझो तैयार है। तो फ्रेंड मैं जल्दी से अपना स्टेटस कम्प्लीट कर लेता हूँ ताकि आपकी कीमती वक्त बच सके। जी तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने तमाम लिरिक्स लिख के
कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है कि अपने लिरिक्स सारे कंप्लीट कर लेने हैं। जस्ट आपने इतना करना है कि जो है स्टेटस XML मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया वो डाउनलोड करके अपने अलाइट मशीन में इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद जस्ट आपने दो ले रहे हैं, आपने उनको कॉपी कर लेके और अपने जो है प्रोजेक्ट में पेस्ट करके और उनको बार बार कॉपी पेस्ट करके जस्ट आपने लिरिक्स को एडिट करते जाना है। तो उसके बाद फ्रेंड आपने जस्ट क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड ये थी आज का स्टेटस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप प्लेयर हो रही है, वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ भी अच्छा लगा, कुछ वीडियो रखा कमेंट सेक्शन जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर दमाएँ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक अपने और अपने चैनल वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।